हेलो फ्रेंड्स, एक बार आज हम फिर से इंटरेक्ट करते हैं। किस बात पर? हम लेंगे टॉपिक वंस अगेन टेंसेस। ओके, सो हमने पिछली बार बात की है सिंपल प्रेजेंट टेंस की, और आज हम बात करेंगे पास्ट टेंस की और सिंपल फ्यूचर टेंस की। ओके, अब थोड़ा सा रिकैपिटुलेट कर लेते हैं। हमने पिछली बार क्या बात की थी कि जब सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो हमें कैसे पता चलेगा? जब हिंदी में ता है, ती है, ते है लगा होगा किसी भी वाक्य के अंत में, तो हम समझ जाएंगे ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। अगर नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो हम डू या डस का प्रयोग करेंगे। और वंस अगेन जो है, आपने याद रखना है कि वर्ब की जो है हमारी फर्स्ट फॉर्म की लगेगी। अब हम बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस की। तो कैसे पता चलेगा कि कोई सेंटेंस, कोई वाक्य जो हमें हिंदी में दिया गया है या जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं, क्या वो पास्ट टेंस में है कि नहीं है? तो आपने रिकॉल करना है, जब भी किसी सेंटेंस के एंड में गया, खाया, रोया, सोया, इस तरह कोई भी होगा शब्द लिखा हुआ, तो हम कहेंगे कि वो सिंपल पास्ट टेंस है। पास्ट मीन्स काम हो गया। ओके, सो जब सिंपल पास्ट टेंस होगा तो हमने क्या करना है, वर्ब की कौन सी फॉर्म बनाएंगे? टू लिखा है पहले, वी मीन्स वर्ब एंड टू मीन्स सेकेंड फॉर्म, तो हमने लगानी है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव या इंटरोगेटिव है तो हमने क्या करना है, हमने डिड को यूज करना है। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, एंड व्हाट इज द ट्विस्ट? अदरवाइज तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, लेकिन जब डिड लगाएंगे तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बस ये थोड़ा सा रूल आपने याद रखना है कि डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म। ओके, अब मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंस जो है लिख के रखे हैं, और एक ही सेंटेंस को मैंने अलग अलग फॉर्म में लिखा है ताकि हमें समझने में थोड़ी आसानी हो। वाक्य मैंने बड़ा ही सिंपल सा लिया है, उसने खाना खाया, उसने खाना खाया। अब उसने यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन की। ओके, अब थर्ड पर्सन जो है वो कौन है, ही। ओके, अब खाना जो है दैट इज फूड, और खाना दैट इज ईट। ओके, अब ईट की जो हम सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, तो हमने कौन सी लगाई, ईट एट, तो हमने लिखा एट, और फिर क्या खाया, फूड, खाना खाया ना, तो हमने लिखा फूड, ही एट फूड, तो हमने लिख दिया इसको, तो ये हमारा लग गया उसने खाना खाया। अब अगर हम नहीं लगाते हैं तो हम लिखेंगे उसने खाना नहीं खाया, तो हमारे पास सेंटेंस आ गया ही। और मैंने कहा है जिस तरह से कि हमारे पास रूल है कि डिड लगेगा नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो हमने कहा ही डिड नॉट ईट फूड। अब इसी को हम ले लेते हैं इंटरोगेटिव में, क्या उसने खाना खाया, तो हमने लिखा, क्योंकि ये जो डिड है इंटरोगेशन में क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में पहले आ जाएगा, तो हम डिड को पहले लगा देंगे, तो हमारे पास जो रेस्ट ऑफ सेंटेंस का बचा डिड ही ईट फूड, और फिर हमने साइन ऑफ इंटरोगेशन जरूर लगाना है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये सिंपल पास्ट टेंस का रूल है, बहुत ही सिंपल, वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिखी। लेकिन अगर नेगेटिव या इंटरोगेटिव है तो हमने डिड लगाना है, डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। नाउ लेट्स टेक अनदर वन, दैट इज सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर मींस आने वाला टाइम, क्या होगा आने वाले समय में, होगा का, हा? होगी की, ओके, होंगे गे, सो गा गे गी, जब किसी वाक्य के अंत में आएगा वो फ्यूचर को डिपिक्ट करता है। और फ्यूचर टेंस में हम क्या लगाएंगे, विल या शैल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, विल या शैल। एक चीज और है, आई और वी, दिस इज द फर्स्ट पर्सन, इनके साथ हम क्या लगाते हैं, शैल, दैट इज फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल लगाएंगे, और बाकी सेकेंड और थर्ड पर्सन जो है उनके साथ हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। सो विच शैल होगा यूज, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फ्यूचर टेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन डिफरेंस क्या है कि वहां पर विल शैल नहीं है, वो सिर्फ किस में लगेगा, फ्यूचर में। अब वाक्य जो लिया है, वह खाना खाएगा, ओके, का लगा है, हमें पता चल गया दिस इज फ्यूचर टेंस। अब वह मीन्स ही, ओके, ही जो है थर्ड पर्सन है, तो उसके साथ क्या आएगा, विल ईट फूड, ही विल ईट फूड, ओके। अब वह खाना नहीं खाएगा, ही विल नॉट ईट फूड, सिंपल, क्या वह खाना खाएगा, विल ही ईट फूड। ऐसे ही मैं खाना खाऊंगी, आई शैल ईट फूड, मैं खाना नहीं खाऊंगी, आई शैल नॉट ईट फूड,
क्या मैं खाना खाऊंगी? Shall I eat food? तुम खाना खाओगे? You will eat food. Okay? तुम खाना नहीं खाओगे? You will not eat food. क्या तुम खाना खाओगे? Will you eat food? इस तरह से कुछ सिंपल से रूल्स को माइंड में रखकर हम किसी भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में बना सकते हैं, और जब हमें इस तरह के सेंटेंसेस को अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज करना हो तो हमें एकदम से क्लिक हो जाएगा कि ये कौन सा टेंस है और हमें कौन सा रूल जो है यहाँ पर लगाना है, तो कहीं पे भी हमें हेजिटेशन नहीं होगा। आप सेंटेंसेस को यूज करिए, प्रैक्टिस करिए, डेली जो है 8-10 सेंटेंस जो आप उसको चेंज करें, और जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी ही आपकी इंग्लिश बढ़ेगी, इंग्लिश अच्छी बनेगी एंड यू विल हैव गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज। ओके, और अगर आपको ये चुटकियां पसंद हो तो चुटकी बजा के मेरे